इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉल्फिन ब्राउज़र के अंदर अगर आपको कुछ भी डाउनलोड नहीं हो पाता है तो सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मिनिमाइज आ जाना है यहाँ से, और फिर अपने जो है फ़ोन की सेटिंग्स में सीधा चले जाना है, या आप पहले प्ले स्टोर में भी जा सकते हैं आप। तो यहाँ पर आप डॉल्फिन को यहाँ पर सर्च कर लीजिए ऐप को, ठीक है। डॉल्फिन ऐप को जैसे ही सर्च करेंगे अगर यहाँ पर आपको अपडेट दिखाई देता है तो अपडेट कर लीजिएगा सबसे पहले, ठीक है। फिर यहाँ से बैक लाइए और फिर सेटिंग्स में जाइए अपने फ़ोन की, और यहाँ पर आपको ऐप से नोटिफिकेशंस में जाना है, सियाल ऐप्स को खोल लेना है, और यहाँ पर आपको सो सिस्टम ऐप्स पर क्लिक कर देना है और डाउनलोड पर को फाइंड कर लेना है डाउनलोड मैनेजर को, और यहाँ पर परमिशंस को अलाउ कर देना है और फोर्स स्टॉप मार देना है, और यहाँ पर फिर डाउनलोड को सर्च कर देना है, और सेकंड वाले को भी परमिशन अगर इसमें दिखाई दे तो इसको भी अलाउ कर दीजिएगा। फिर बैक लाइएगा और यहाँ पर फाइल मैनेजर में जाइएगा और यहाँ पर भी परमिशंस को अलाउ कर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर स्टोरेज की परमिशंस को अलाउ कर दीजिएगा, स्टोरेज की करना है वहाँ पर भी, और यहाँ से फोर्स स्टॉप मार देना है। अब यहाँ पर डॉल्फिन को सर्च कर लेना है, और यहाँ पर आपको फिर परमिशंस पे जाना है और स्टोरेज की परमिशन को अलाउ कर देना है, और यहाँ पर मोबाइल डेटा एंड वाईफाई पर जाना है, बैकग्राउंड में डेटा को स्टार्ट कर देना है, अनरिस्ट्रिक्ट डेटा को बंद रहने देना है, और यहाँ से भी फोर्स स्टॉप मार कर अपने फ़ोन को बंद करके खोल लेना है। तो फिर आपको जो दिक्कत आ रही होगी वो देखने को नहीं मिलेगी। तो ये प्रोसेस रहता है इसका। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।